नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर जारी है और कोरोना मीटर के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 4,23,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग कोविड-19 से 76,00,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच दुनिया की एक बड़ी रिसर्च मैगजीन द लैंसेट की एक रिपोर्ट में बड़ी आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के माने तो कोविड-19 महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 5 से 10 करोड़ लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से महामारी बढ़ रही है उससे मेडिकल सिस्टम पर बोझ बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा ज़्यादा मौत के रूप में सामने आएगा। द लैंसेट ने आशंका जताई है कि जो हालात करीब 100 साल पहले 1918 में स्पैनिश फ्लू के वक्त बने थे, कुछ वैसे ही हालात कोविड-19 महामारी की वजह से भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि आज दुनिया भर में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, कुछ ऐसे ही तस्वीरें स्पैनिश फ्लू के वक्त भी देखने को मिली थी। उस दौर में भी मास्क लगाना पड़ता था और आज भी मास्क को जरूरी बताया गया है। उस वक्त भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे और आज भी बनाए जा रहे हैं। स्पैनिश फ्लू के कारण भी लाखों लोग मर रहे थे और आज भी रोजाना मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके अलावा स्पैनिश फ्लू के वक्त लोगों की जिंदगी जीने का तरीका काफी बदल गया था और आज भी लोग कोरोना वायरस की वजह से लाइफस्टाइल बदलने को मजबूर हो गए हैं। द लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कोरोना का CFR यानी कि केस फर्टिलिटी रेशियो फ्लू के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि 1918 में स्पैनिश फ्लू के कारण दुनिया भर में तकरीबन 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और इस फ्लू के कारण भारत में ही करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले अब 74,00,000 के आंकड़ों को पार कर गए हैं और भारत में भी अब रोज़ाना तकरीबन 10,000 केस सामने आ रहे हैं। जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो आंकड़े हैं वो 2,00,000 के पार यानी कि उन 4 देशों में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आए हैं। फिलहाल पहले नंबर पर अमेरिका है जहां संक्रमित मामलों का जो आंकड़ा है वो 2,00,000 के पार जा चुका है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहाँ आंकड़ा 7,00,000 के पार है। तीसरे नंबर पर रूस है जो 5,00,000 वहाँ पे संक्रमित मामले हैं। चौथे नंबर पर भारत है और पांचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे जो संक्रमित मामलों का जो आंकड़ा है वो 2,00,000 को पार कर चुका है और 3,00,000 तक पहुँचने वाला है। तो भारत में कोरोना से अब तक 8,502 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस का सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका में देखा जा रहा है जहाँ अब तक करीब 1,16,035 लोगों की मौत हुई है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं और आगे क्या हालात होंगे और इसी को दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की पत्रिका ने दर्शाया है।